सिर्फ ये बॉडी पे राजकारण हुआ बस, बॉडी का किस तरह से पूरा वाटोला किया गया। ये इलाका है जहाँ पर न पानी की पाइपलाइन की सुविधा है न रेल लाइन की सुविधा है। हमारे आस्तिक कुमार पांडे साहब का हिटलर से ही फरमान है, टू व्हीलर का भी रिक्शा या पैदल बच्चा चलेगा तो मालूम भी नहीं पड़ेगा मरगा के जिंदा कि यहाँ पे जो है तो खतरा बहुत ज्यादा हो चुका है, या जानवर गिर सकते हैं या लोग गिर सकते हैं। अब कैसा, मैं रात में बैठता, मैंने देखा बहू और ससुरे की झगड़े होती, वो कभी भी भाग के आते मेरे घर को खटका मारते और मेरे से पूछते कि कुछ आवाज आई क्या, कोई गिरा क्या, पत्थर गिरा। बारिश में मालूम नहीं पड़ता ये बॉडी है बोल के पता नहीं चलता। ये दरगाह के पास से रोड आ रहा, देखो ये रोड आ रहा, ये कब्रस्तान की डीबी के पास से ये सीधा रोड आ रहा था। अब ये बॉडी है सामने, देखो कालम लगेगा दिखा आपको, ये देखो पानी लेवल टू लेवल चढ़ रहा, बॉडी है कि पानी है कि घुटने भर भर पानी है, रास्ते में बॉडी है। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। आज हमारी टीम आई हुई है फिर से पड़ेगांव कादंबरी दरगाह। इस दरगाह के पास एक बावड़ी है जो यहाँ के लोग बता रहे हैं जिसको दूध बावड़ी कहते हैं। ये बावड़ी करीब करीब 400 या 500 साल पुरानी है। जो कादंबरी दरगाह है लोग बताते हैं कि उन्हीं के हाथ से ये बावड़ी तामीर की गई है। पर आज आप इस बावड़ी की हालत देखेंगे तो ये काफ़ी भर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर इसमें सीढ़ियाँ भी है अंदर जाने के लिए। पर इस बावड़ी से आज लोगों को फ़ायदा होने के बजाय उनकी जान को धोखा हो गया है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ के रहवासी, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बॉडी का क्या मसला है और ये लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं। मैं शकील कुरैशी, महमूद कुरैशी, हाजी कासंबरी नगर वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ। आज हम बॉडी के ताल्लुक से यहाँ आए हुए हैं। औरंगाबाद शहर से हमारे मोबिन साहब आए और हमारे यहाँ दरगाह से आरिफ भाई, आसिफ भाई, तुम्हारे शब्बीर भाई, अली शेर खान और तुम्हारे अरशद सिद्दीक भाई, नज़ीर भाई और हमारे परभनी वाले चचा, हम सब यहाँ पर जमा हुए ये ताल्लुक़ से कि ये बावड़ी का जो है तो ये मसला बहुत दिनों से चल रहा और कुछ लोगों का ये बोलना है कि हमने पैसा लगा के ये बावड़ी को बनाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये बावड़ी को क्या बनाए और कैसा बनाए। ये बावड़ी का तो कुछ काम नहीं हुआ लेकिन लोग दावे कर रहे हैं कि हमने पैसा लगाए, इस बावड़ी का काम कराए और इस बावड़ी का काम बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ये लोगों का बोलना है। तो ये बावड़ी असल में है किसके अंडर में और किसके, ये क्या गवर्नमेंट ने बनाई हुई बावड़ी है या कब की बावड़ी है? नहीं, ये बावड़ी तो जो है तो ये हाजी कासंबरी रहमतुल्लाह अलैह की ये बारगाह है यहाँ पे और ये उसी की बावड़ी है और ये सदियों साल पुरानी बावड़ी है। और ये बावड़ी पहले बहुत अच्छी थी, ये बावड़ी की हालत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक थी। तो जैसा आपने बताया अभी कुछ लोग ने दावा किए यहाँ पे बनाए वो करे, पर ऐसा लग तो नहीं रहा है यहाँ पे कुछ काम हुआ है इसका? नहीं, सिर्फ ये बावड़ी पे राजकारण हुआ बस, काम तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ राजकारण हुआ और दावे हुए कि हमने बावड़ी बनाई। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद देख रहे हैं और तमाम लोग भी देख रहे हैं कि ये बावड़ी का किस तरह से पूरा वाटोला किया गया। आप कैसा आए यहाँ पर और क्या करेंगे अभी बावड़ी के लिए? ये बावड़ी के लिए हम 2018 में यहाँ आए थे। हम आसिफ भाई ने बताए थे कि भाई कासिमपुरी नगर के अंदर पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की बहुत परेशानी है। तो हमने मखदूम फारूकी साहब प्रिंसिपल मौलाना कॉलेज के ज़रिए से म्यूनसिपल कमिश्नर मुगलीकर साहब को यहाँ हमने लेके आए थे। इसका हमने सर्वे भी करने लगाए थे और मखदूम साहब ने कलीम पटेल साहब जो ठेकेदार है उनको ये काम भी, उन्होंने कुछ हद तक काम भी करे थे। तो आज इसकी जो हालत है, जो ये एक जान को धोखा हो गया है लोगों के, तो उस ताल्लुक से आप कुछ करेंगे इसके ताल्लुक से काम? तो उस ताल्लुक से इंशाल्लाह जो हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे और लोगों से और औरंगाबाद के शहर के लोगों से हम ये अपील भी करेंगे। ये कासिमपुरी नगर जो है ये एक ऐसा है इलाका है जहाँ पर न पानी की पाइपलाइन की सुविधा है न रेल लाइन की सुविधा है और जो औरंगाबाद के ये तो ग्रीन जोन में आता है ना, तो ये चीज़ें तो फैसिलिटी अभी नहीं मिलेंगी नए लोग को। नहीं तो यहाँ पर कैसा है, जिस जगहों पर 70-80% जब बस्ती बच जाती है तो वहाँ पर कॉर्पोरेशन को ये फैसिलिटी उनको देना पड़ती, यहाँ पर इंसान रहते। नहीं तो जो अभी एक गुंटेवारी का चल रहा है, हाँ। उसके बाद ग्रीन जोन का आने वाला है तो ये सुविधा तो तभी मिलेंगी ना लोग। वो गुंटेवारी कैसा है, हमारे आस्तिक कुमार पांडे साहब का हिटलर से ही फरमान है। वो क्या है, हिटलर से ही फरमान है घुंटेवारी का। घुंटेवारी करने के लिए लोग तैयार हैं यहाँ पर, लेकिन
35,000 50,000 40,000 लोग अभी लॉकडाउन से परेशानी से अभी बाहर निकले भी नहीं और उनके ऊपर हिटलर से फरमान उन्होंने जारी कर दिए। तो ये काम कॉर्पोरेशन की तरफ से कराएंगे आप बॉडी का या फिर आप लोग आपकी संगठन की तरफ से करेंगे? हम कॉर्पोरेशन से भी ये हम आप वो यानी कि डिमांड करेंगे कि लोग यहाँ इंसान रहते और ये बॉडी का तुम काम करो बोल के इससे पहले भी हमने उनको दिए थे और वो कमिश्नर साहब भी यहाँ आए थे और जो औरंगाबाद शहर के जो अपने अहले हजरात जो है और साबित जो लोग जो है वो लोगों का काम है क्या भाई ये बॉडी को आके देखना और तुम अपने नाम नमूद के लिए जो पैसे खर्चा करते तो यहाँ लोगों के लिए पैसे खर्चा करना है आके यहाँ पर 10-12-15 लोगों को यहाँ तुम उनसे बात करो यहाँ के लोगों की परेशानी तुम देखो। अब आपके चैनल के माध्यम से आप कम से कम 15 दिन से यहाँ के लोगों की समस्या को आप उठा रहे हैं तो आपको पहले आपके चैनल को मुबारकबाद कम से कम ऐसे इलाके में आप कम से कम आ रहे नहीं तो लोग वो इलाके में जाते जहाँ पर उनका कुछ रहता यहाँ पर तुम यहाँ आते यहाँ के इलाकों में तुम यहाँ आते यहाँ पर आके रोडों का तुम देख रहे पानी का तुम देख रहे अभी रोड का तुम देखो हाल क्या है। जी 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 हम लिए है वो वीडियो सब लिए हैं लोगों को बताएंगे यहाँ परेशान है लोग यहाँ पर और ये जो बॉडी का जो मसला है तो इंशाल्लाह ये मोहल्ले के लोग मिलकर अरे मखदूम साहब से भी अगर हम बात करेंगे दोबारा क्या इंशाल्लाह इसके लिए कुछ बन सकता तो आप इसके लिए और दोबारा कुछ करिए इसके लिए। जी आपका नाम बोलिए सर। शेख आरिफ भाई एक राष्ट्रीय अधिकारी करता है मैं कसम भरी हजी कसम दरगाह की ओर से। ऐसी एक हवा एक मीडिया की जगह एक आदमी एक शख्स ने बाद में बताया कि 2.5 लाख रुपये मैंने मेरी जेब से खर्चा किया। अलहमदिल्ला जो 2.5 लाख खर्चा करते थे तो इसके ऊपर जाली दीवार पाइपलाइन पानी की टाँकी अलहमदिल्ला सब फिल्टर हो जाती थी और लगाते टाइम एक वादा किया गया था कि एक साफ सुथरा पानी यहाँ पर हम एक टैंक लगाएंगे ऊपर पानी एक फिल्टर बिठाएंगे गौर गरीब में पानी यहाँ तो पानी आज तक ले जाते हम देखा ही नहीं गया। अलहमदिल्ला आज का ऐसा खतरा होगा किसी की जाने चले जाए तो इसके जिम्मेदार रहेगा कौन। इसके पहले जो बॉडी की कंडीशन थी अलहमदिल्ला से तो अच्छी थी आज आपने इसको चौड़ी करके और जान में खतरा महलने के लिए मतलब इसको जो ये पानी जो बाहर आया है तो आपका मतलब है कि बॉडी को बड़ा किया गया इसका मुहाना बड़ा करे और सिर्फ इसका कुछ ही काम नहीं हुआ सिर्फ 3 बार ब्लास्टिंग ली गई बाकी इस पर कोई बांध काम नहीं हुआ कोई बोर नहीं मारेगा कुछ नहीं और उल्टा ये रोड की जो कम चौड़ान थी ये रोड तक ला दिया गई रात बिरात को अगर पानी का पूर आ जाता है और अगर ने 2 व्हीलर का भी रिक्शा या पैदल बच्चा चलेगा तो मालूम भी नहीं पड़ेगा मर गया कि जिंदा पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही हमारे साथ आसिफ भाई भी मौजूद है आसिफ भाई जानते हैं। आसिफ भाई ये बॉडी का जो पानी इतना लबालब माशाल्लाह भरी हुई है इसी के जो तो मारो है अब उसके बाद में जो है तो मामला ऐसा है कि कुछ इसके ऊपर राजकारण शुरू हुआ और इसको जो है तो शुरू कराने से पहले ये बॉडी तो वैसे ठीक थी यानी इसको जान का लोगों को यहाँ पे खतरा नहीं था आज ये जान का खतरा बन चुकी है। तो आप लोग बता रहे हैं कुछ राजकारण हुआ है तो ऐसा कौन सी पार्टी है या क्या है जिसने राजकारण कैसा है भाई देखो हमारे पूरे औरंगाबाद शहर आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं जो वो पार्टी हमारे औरंगाबाद में एक चल रही है जो वो कुछ करती नहीं है लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता सोशल वर्कर जहाँ पर जाके काम करते पूरे शहर की आज हालत ये है और वो आयता जाके क्रेडिट ले लेते जैसे आज औरंगाबाद शहर में हमारे महाराष्ट्र शासन जो है तो सड़कें बना रहा है और जो है तो वो लोग कहते कि सड़कें हम बना रहे तो जाके क्रेडिट जैसा अभी नवाबपुर में भी एक मामला खड़े हुआ था आपने देखे थे तो वो भी आपको शायद याद होगा वो अब बातें बोलने की नहीं रही थी। तो ये मखदूम सर ने जो है तो बॉडी का काम शुरू कराए थे और मखदूम सर जो है तो हमारे आज़ाद कॉलेज के सवाब जारिया रहेंगे और मैंने वो कलीम भाई जो बोल के एक ठेकेदार है वो भीड़ बाईपास के उन्होंने मेरे पास आए थे और उन्होंने आने के बाद में हमने आर्य भाई हमारे शकील भाई नज़ीर भाई हमने सब ने मीटिंग लेकर के एक बात रखे थे भाई ऐसा ऐसा बौड़ी का काम कर रहे अपने महल्ले को पीने के पानी की सुविधा होंगी लेकिन हम लोग जो है तो सवाब के काम करने के लिए ये लिख लेते लेकिन हमें नहीं मालूम था कि यहाँ राजकारण हो जाएगा तो इस पर राजकारण हो गया कोई कहता हमने पैसे लगा के खर्च करके बनाए लेकिन हकीकत जैसा मैंने आज औरंगाबाद शहर से अपने शहर से मोबिन अंसारी साहब जो मानी जानी शख्सियत है उनको मैंने आज बहुत रिक्वेस्ट 2 दिन से कर रहा था कि मोबिन भाई आप ही इसकी हकीकत बता सकते क्योंकि हमारे पे तो भरोसा नहीं करेंगे लोग बोलेंगे ये राजकारण हम ही कर रहे क्योंकि आज के चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कुछ प्रवक्ता जो है तो घड़ी घड़ी जो है तो किसी भी पार्टियों को कोसते रह रहे तो ये बातें गलत है। तो आप क्या चाहते हैं इस पे राजकारण हो या काम हो जाए? नहीं अब हम ये चाहते हैं कि भाई जैसा अभी मोबिन भाई ने बताया कि भाई देखो अपन कॉर्पोरेशन में भी इसकी जो है तो एक एप्लीकेशन करेंगे इस पे तार कंपाउंड वगैरह कुछ करने का सेफ्टी करने का क्योंकि ये जान को धोखा हो चुका आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आपने देखे अभी वीडियो भी लिए कि यहाँ पे जो है तो खतरा बहुत ज़्यादा हो चुका है या जानवर गिर सकते या लोग गिर सकते जी।
तो वैसे ही हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं यहाँ के महल्ले के बुजुर्ग लोग, उनसे भी बात करते हैं। साथ क्या होना चाहिए, इसका क्या काम करना? ये बावड़ी बनना चाहिए, अभी ये बना के देना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं बस्ती के लोग आते जाते हैं, कोई औरतें बच्चे हैं, ये हम चीख चीख के परेशान हैं रोज। अच्छा, इसका अभी ये हाल है तो ये बारिश में जब बारिश आती है उस वक्त में कैसा होता है? बारिश में मालूम नहीं पड़ता, ये बावड़ी है बोल के पता नहीं चलता। अच्छा, रास्ते के बीचों बीच है, पानी भरा हुआ रहता है, ये पूरा पानी भरा हुआ रहता। ये हमको लोगों ने बोले हम कर देते, वो अगर कोई कुछ नहीं करा, ये हम लोगों ने ये चौस ये लोगों ने मिलकर हमने फत्ता उत्तर लगा के ये इसको काटे वाटा पर काटे भर दिए, पर हमने भी काटे अंदर नजर आती तो थोड़ा उससे सपोर्ट हुआ। अब ये काम किसने करा ये मालूम भी नहीं पड़ रहा हमारा। वो काले पत्थर की जो लेयर दिख रही ना, वो उस टाइप में थी पूरा, जो तो खंड की जो तो बड़े बड़े पत्थर लगे हुए, अब उसको जो है तो खास तौर से गिरा के ना बनाने की नियत से करे थे लेकिन बनाए नहीं, अब वो रह गया वैसा ही। अब ये जो है तो पूरे महल्ले के लिए एक मसला बना हुआ है कि कल जाने के बाद में कोई अगर बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करेंगे, बच्चे को आना जाना है या नमाजी भी आते जाते हैं, तो वो चीज़ को जो है तो कोई वो नहीं ले रहे, बल्कि जो तो उसको एक इशू बना के जो तो उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो नमाजी रस्ते आने बंद हो गए, जनाजे रस्ते आने बंद हुआ, जनाजे को इतना घूम के लाना पड़ता है, ऐसा बहुत दूर से लेके आना पड़ता, तो गाड़ी में रख के लाना पड़ता, पूरा घूम के आना पड़ता, तो वो तो बंद ही होगा। यहाँ पर कब्रिस्तान भी है, कब्रिस्तान है अंदर, ये कब्रिस्तान है अंदर, बहुत तकलीफ दे चीज़ कर दी हमारे को। यह है कि भाई जो तो गवर्नमेंट से भी और आप जो तो वहाँ तक बात पहुँचाते हैं, तो उनसे आपसे भी जो तो खास तौर से कि भाई ये मसले को जो है तो वहाँ तक पहुँचाइए कि जहाँ पे जो तो ये अगर ये बन जाती है, और माशाल्लाह इसको पानी भी बहुत है कदीम ज़माने से, तो अगर ये बन जाती है तो ये महल्ले के लिए भी फ़ायदेमंद है, है और जो तो किसी का नुकसान भी। मतलब आपका बोलना है कि इसका पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी जो है तो बहुत प्यारी बावड़ी थी ये, है और उस टाइम में जो तो जो दरगाह के जिम्मेदार है फहीम कादरी साहब, उन्होंने भी बहुत कोशिश कर रहे थे इसके जो तो करने के लिए, और वो अगर रहते तो शायद ये नहीं आता था। जी, ये मेरा घर है देखो जी। रात भी रात को ये जो है तो वो होगा चलते, नहीं नहीं कॉल नहीं, ये सुसाइड पॉइंट होगा भाऊ। तो कुछ लोगों का भी यहाँ पे कुछ नुकसान हुआ, जानी है माली कुछ नुकसान? अब कैसा, मैं रात में बैठता मैंने देखा भाऊ और ससुरे की झगड़े होती, वो कभी भी भाग के आते मेरे घर को खटका मारते और मेरे से पूछते कि कुछ आवाज़ आई क्या, कोई गिरा क्या, पत्थर गिरा क्या। अच्छा, मतलब लोगों के अंदर एक खौफ है ये चीज़ को लेकर कि यहाँ पे कुछ जानी नुकसान कर लेगा या कोई आके कूद जाएगा। कोई आते रात में 12 बजे 11 बजे आप आके मंजर देखेंगे तो लेडीज भी आती भागते, अब हम लोग बैठे रहे तो चल जाते रिटर्न। देखा आपने कि काफ़ी बड़ी परेशानी हो गई है यहाँ पर ये इसकी, तो प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है कि आइए यहाँ पर आकर देखिए इस चीज़ को। ये जो बावड़ी है इससे काफ़ी लोगों की जान को धोखा हो गया है। मैं शहाब यासीन, कैमरामैन अबरार बेग के साथ, पड़ेगांव, औरंगाबाद।